भैया हेलो गुड मॉर्निंग। आशा है आप स्वस्थ होंगे। पार्ट दो सदाचार में चतुर्थ में आपने पढ़ा था, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एकाग्रता स्त्रोत है, गीता का सार, सुभाषित, नीति के दोहे, रामचरित मानस, ये सब आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और आशा है आपने सबने पढ़ा होगा। इसी पर आधारित और प्रश्नोत्तर आदि कार्य हम करा चुके हैं। आज कुछ पंक्तियां अशुद्ध है तो शारीरिक स्थान है, उनको हमें पूरा करना है और पुस्तक की सहायता लेकर के आप आराम से पूरा कर सकते हैं। या लिखा है फूले रिक्त स्थान सुधा खाली जगह जलक, तो फूले खड़े का भेद जद भी सुधा बरस ही जलक, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही बिरंची सम। तो पुस्तक के आधार पर ही इसको रिक्त स्थान भराया गया, आपको भरना है, हार्ड कॉपी में दिया हुआ। अगला खंड दिया हुआ है बैर न कर काहू सन कोई, ये जो मानस उपाय दी है इसमें ही रिक्त स्थान भरना है। बैर न कर काहू सन कोई, राग प्रताप विषमता कोई, ये आपकी हार्ड कॉपी में भरा हुआ है, वही आपको भरना है। तो लिखा है खाली जगह दैविक, खाली जगह राम राज, खाली जगह व्यापार। तो इसमें क्या मानस उपाय है जो पहले भी थी ये भी थी, दैहिक दैविक भौतिक कापा राम राज नहीं का हुए व्यापार, यह आपको हार्ड कॉपी में भरा हुआ है, सुंदर सुंदर सुलेख पे लिखना है। अगला कार्य प्रश्न संख्या पांच है, गृह कार्य में जो अशुद्ध पंक्तियां हैं उनको शुद्ध करके लिखना है। पंक्तियों को शब्दों में, शब्दों को उधर उधर आगे पीछे कर दिया गया है, आप पुस्तक में देख करके आराम से उसको सुंदर सुंदर सुलेख पे सही सही कर सकते हैं। करही भ्रातर पर प्रीति सिखावे नीति नाना मत, तो इसको देखना है जो भाई है और उसको शुद्ध करना है। राम करही भ्रातर पर प्रीति नाना मत सिखावे नीति, इस तरीके से इसको शुद्ध करके लिखना है। खाखंड में लिखा है मुख सो चाहिए एक कहूं खान पान, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक, या पुस्तक से देख करके सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। नास्ति यज्ञ प्रज्ञा स्वयं तस्य शास्त्रं किं करोति, तो ये श्लोक है जो आपकी पुस्तक में दिए हुए उन्हीं में से देख के करना है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, ये आपको शुद्ध करके लिखना है। और ऐसे ही घाट के बाद एक घाखंड भी है, आपकी हार्ड कॉपी में लिखा हुआ है, वही आपको सुंदर सुंदर पूरा करना है। स्वस्थ रहो, सानंद रहो, धन्यवाद।